तो देखिए, अब हम लोग जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ फैक्टोरियल ऑफ नंबर. तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या होता है? इट इज n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इनटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 अप टू सो ऑन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. यानी कि n फैक्टोरियल जो होता है वो 1 से लेकर n तक के सभी इंटीजर नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है. इफ n an कैन बी रिटन एज n इनटू n फैक्टोरियल, देन this is then the summation r is equal to 1 to 100 ar is equal to which of the following. ठीक है, तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को इस समय पर पॉज कीजिए. पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. देखो, जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन को देता हूँ तो इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि आप अपनी बात तक को मुझ तक पहुँचा पाए और मेरी बात आप तक पहुँच पाए. अगर हम दोनों एक दूसरे से किसी तरीके से सिंक्रनाइज हो पाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे. ठीक है, तो जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ तो आप हमेशा कोशिश कीजिए पहले कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन पे दीजिए और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए प्ले करने के लिए और आप देखिए कि आपका जो आंसर था वो ठीक है या आपका आंसर गलत है. तो हमेशा अपने आप आंसर को आप मुझसे वेरीफाई कराने की कोशिश कीजिए, मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए. जितना आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे उतना मुझे ही आपके साथ कम्युनिकेट करने में आसानी होगी. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग. आप पॉज कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए और फिर इस सॉल्यूशन पर वापस आइए. ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो गिवन है वो है ए एन इज इक्वल टू एन एन इंटू एन फैक्टोरियल, एन इंटू एन फैक्टोरियल. ठीक है, अगर ये ए एन इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टोरियल है, देयरफॉर अगर मैं इसको ए आर की फॉर्म में लिखता हूँ तो इट कैन बी रिटन एज आर इंटू आर फैक्टोरियल. बहुत ही आसान चीज़ है ना. अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है हमें? समीशन r इज इक्वल टू 1 टू 100 ए आर, करेक्ट. अब ये जो ए आर है, ए आर की जगह पर आई कैन राइट r इंटू आर फैक्टोरियल. तो ये बन जाएगा हमारे पास समीशन r इज इक्वल टू 1 टू 100 r इंटू आर फैक्टोरियल, करेक्ट. अब देखो, जब यहाँ पर r है, इसके साथ अगर हम प्लस 1 को ऐड करें या फिर प्लस 1 को सबट्रैक्ट करें तब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे. जैसे कि अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं समीशन r इज इक्वल टू 1 टू 100 आर प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल, यानी कि ऐसा करने से हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. लॉजिकली दिस इक्वेशन बोथ आर इक्वलेंट. ठीक है, अब सिंपल मेरा काम क्या है कि मैं इस आर फैक्टोरियल को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा और इस आर फैक्टोरियल को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा. अगर आर फैक्टोरियल को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास एक नई इक्वेशन फॉर्म होगी. वो किस तरीके से होगी? देखो, दिस कैन बी रिटन एज समीशन आर from 1 to 100, this is r plus 1 into r factorial minus summation r from 1 to 100, this is r factorial. यानी कि r factorial को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और r factorial को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया. अगर आप इस इक्वेशन को चेक करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है r plus 1 factorial, this is representing r plus 1 factorial. तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या बन जाएगी? दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज समीशन आर फ्रॉम 1 टू 100 आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस समीशन आर फ्रॉम 1 टू 100 दिस इज आर फैक्टोरियल. सो आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये देखो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी. अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आर की वैल्यूज को पुट करना है. अगर आर की वैल्यू 1 होती है तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर आर की वैल्यू 2 होती है तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर आर की वैल्यू 3 होती है तो इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इफ़ आर इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी? दैट विल बी 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस, सी दिस इज आर की वैल्यू जो 1 होगी, दिस इज 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये हमारे पास पहली टर्म आएगी. समझ आया कैसे? कैसे? अगर मैंने r की वैल्यू को 1 लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1 फैक्टोरियल. अब बिकॉज ये हमारे पास समीशन वाले स्टेटमेंट्स हैं तो इस वजह से हमें हर एक टर्म का एडिशन ही लेना है. ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, करेक्ट. उसी तरीके से अगर जो दूसरी टर्म्स जो हमारे पास आएंगी वो बनेगी हमारे पास 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल. इस तरीके से आप हर एक टर्म को यहाँ से निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से आप हर एक टर्म को यहाँ से निकाल सकते हैं. तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन. जो हमारे पास लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी हमारे पास
r plus 1 factorial minus r factorial. ठीक है, तो ये हमारे पास जो टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स यहाँ पर इधर, ये सारी टर्म्स यहाँ पर इधर आएंगी. ठीक, अब अगर इसमें फर्दर इसमें यहाँ पर r की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 100. ठीक है, अगर r की मैक्सिमम वैल्यू 100 है तो जो लास्ट टर्म है हमारी ये वाली, तो ये लास्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, दिस लास्ट टर्म विल बी 100 वन फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल. तो इस 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल. तो अब इन सभी इक्वेशन को, सभी टर्म्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इस सभी टर्म्स को आप सॉल्व भी करेंगे तो ये जो सभी टर्म है ये हमारे पास बन पाएगी हमारे पास 101 फैक्टोरियल माइनस 1. ऐसा क्यों? देखो ये बहुत ही ईजी चीज़ है, इसको समझाना भी उतना ही आसान है. देखो ये जो पहली टर्म है ये है हमारी 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो टर्म बनेगी 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ. अगर मैं सभी ब्रैकेट्स को रिमूव करूँ तो टर्म बनेगी हमारी 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, प्लस ये सेकेंड टर्म है हमारी 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस, थर्ड टर्म बनेगी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस, अप टू सो ऑन. जो लास्ट टर्म बनेगी वो होगी हमारे पास 101 फैक्टोरियल 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल. ठीक है, हर एक टर्म में देखो अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर माइनस 2 फैक्टोरियल भी है, तो प्लस 2 फैक्टोरियल को माइनस 2 फैक्टोरियल से कट कर देंगे, प्लस 3 फैक्टोरियल को माइनस 3 फैक्टोरियल से कट कर देंगे. उसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो 100 फैक्टोरियल है वो इससे पहले वाले एक और टर्म से कट जाएगा. ठीक है, तो जो सभी टर्म्स हैं ये सभी टर्म आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो दो टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी वो एक होगी ये वाली माइनस वन वाली टर्म और ये होगी हमारे पास 101 फैक्टोरियल वाली टर्म. तो ये बनेगा हमारे पास 101 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल विच कैन बी रिटर्न एज 101 फैक्टोरियल माइनस 1 101 फैक्टोरियल माइनस 1. तो ये जो पूरा क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा हमारे पास 101 फैक्टोरियल माइनस 1 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ ए करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन. ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. बट ऐसा करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो आई टेक वन मोर क्वेश्चन. तो क्वेश्चंस की हेल्प से भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ सकती है, तो मैं अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन लूँगा और उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.